अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत करम से। दोस्तों आज मेरे पास एप्पल मैकबुक प्रो 2017 कोर i7 विद 16 GB रैम और 512 SSD के साथ हमारे पास एक लैपटॉप आया है। हमने यूज़ में परचेज़ किया, न्यू बहुत महंगे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग यूज़ में लें। यूज़ में भी आपको बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर मिल जाते हैं, तो मेरे पास लैपटॉप आ चुका है। और ये लैपटॉप मैंने कहाँ से लिया, इस्लामाबाद मैक स्टोर अनस भाई हैं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको यूज़ में लैपटॉप चाहिए वहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों मेरे बच्चों की शोर की आवाज़ है, उसको आपने इग्नोर करना है, बच्चे सबके अपने बच्चे होते हैं, अब उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो चलें जी हम इसको खोलते हैं। कि एक्स्ट्रा केयर के साथ मैंने मंगवाया है, चार्जेस इसके मुझे ज़्यादा पे करने पड़े हैं लेकिन चीज़ मुझे टाइम पे और सही मिल गई है। चलें जी हम इसको यहाँ से निकालते हैं जी। ये थोड़ा सा मुझे इसको खींचना पड़ेगा जी, इधर से भी और दरमियान से हम ये निकाल लेते हैं जी। ये इसके अंदर मज़ीद पैकिंग है जी इसकी, ये आप देखें। ये हमारे पास इसका टाइप सी वाला चार्जर ओरिजिनल, ये आप देख सकते हैं। अब लैपटॉप निकालो। ये देखें जी, ये हमारे पास इसका चार्जर है। ये क्वालिटी आप एप्पल का चार्जर आप देख सकते हैं, माशाल्लाह अच्छी बिल्ड क्वालिटी के अंदर है। ये हमारे पास और ये हमारे पास इसका कुछ आज छोटा सा नन्ना सा क्यूट हमारे पास ये एप्पल मैकबुक प्रो 2017 कोर i7 हमारे पास आ चुका है। ये इसकी कंडीशंस आपके सामने हैं, ये देखें माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त है हमारे पास। ये हमारे पास माशाल्लाह खुल चुका है और इसकी बिल्ड क्वालिटी आपके सामने है। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास है, माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। और ये देखें जी, ये कंडीशन आपके सामने क्या है। और इसको दोबारा ज़रा, इसका जो पासवर्ड है 1234, पासवर्ड खुल गया है जिस, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये इसका आ चुका है। इस अगर हम इसकी सेटिंग में जाते हैं जी, ये सेटिंग है इसकी, ये आप ये देख सकते हैं। और ये जनरल सेटिंग में हम चले गए, ये अबाउट में चले गए, तो ये देखें जी हमारे पास, थोड़ा नज़दीक करें, मैकबुक प्रो 13 इंच स्क्रीन है और 16 GB रैम 512 SSD ये हमारे पास है। इसकी ग्राफिक्स है, प्रोसेसर 2.5 GHz का ये प्रोसेसर है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा ये लैपटॉप है। और मज़ीद इसकी अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी आप इसको इस तरह देख लें, इसकी डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। अभी हमारे पास कुछ इस तरीके से ये निकल के सामने आता है। अगर मैं इसकी स्क्रीन की बात करूँ तो ये रेटिना डिस्प्ले के अंदर आता है। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 4K प्लस के अंदर है, तो इसमें हमें एडिटिंग करने में, वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर हमारे पास ये आया हुआ है और इसको हम यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद हम इसको देखते हैं। अगर मैं इसके देखें कीपैड की मैं बात करूँ तो माशाल्लाह कीपैड बहुत अच्छा है। और इसको मैं ज़रा यहाँ से ख़त्म करता हूँ, तो कीपैड देखें
माशाल्लाह यूज़ करने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये साइड पे इसके स्पीकर्स हैं, और इधर मैं साइड पे बात करूँ यहाँ पे एक जैक है, और इधर से दिखाऊँ तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ दो ही सी पॉड्स हैं, और हमारे पास इधर से यहाँ से हमें अगर हमने यूज़ करना है तो हमें एक्स्ट्रा डॉग लगानी पड़ेगी, जिसके अंदर बाकी जो पॉड्स होते हैं पॉड्स होंगी, जिसमें सी टाइप पॉड्स होंगी, यूएसबी पॉड्स होंगी, वो लगाएंगे तब हमारा इसमें काम बनेगा। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी पड़ेंगी, और हमें माउस की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लेते हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे पास ये हमारा मैकबुक प्रो हमारे पास आ चुका है। और इसकी अगर हम क्वालिटी की बात करें, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर है, मुझे तो अभी सही नज़र आ रहा है। इसको हम प्रॉपर चार्ज करेंगे, इसको मैं 3 से 4 दिन यूज़ करूँगा, उसके बाद मैं इसकी वीडियो बनाऊँगा। और बैक साइड से अगर हम देखें तो ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एप्पल का लोगो, और सारे पैसे इसी एप्पल लोगो के होते हैं जी। तो इसको अगर मैंने अच्छी तरह इसको साफ़ करना है, अभी वैसे कंडीशन तो मुझे बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है। यूज़ में लैपटॉप परचेज़ करना है, और मुझे कितने का मिला, मुझे 150 के अंदर ये मुझे मिला है, 150 के। आप मार्केट में आपको 170 160 में भी मिल सकता है, 180 में भी मिल सकता है, डिपेंड करता है आपकी बारगेनिंग कितनी होती है। मैंने जहाँ से लिया, अनस मैक्स स्टोर इस्लामाबाद ब्लू एरिया एफ ब्लॉक के अंदर है। स्क्रीन पर उनका नंबर भी चल रहा होगा, उनकी शॉप की वीडियो भी आपके सामने आ रही होगी। अगर आप यूज़ में लेना चाहते हैं तो आप उनसे ले सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके, या OLX से भी ले सकते हैं। मैंने ये OLX के थ्रू लिया है, तो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा रहा। तो आगे भी मैं अगर इसको अपग्रेड करूँगा, इससे बेटर लैपटॉप टू M1 चिप के अंदर अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ, इसको लेता हूँ, तो उनसे मेरी बात हुई हुई है, तो वो कहते हैं कि ज़ुबैर भाई जब भी आप आएँ मोस्ट वेलकम, हम इसको रिप्लेस कर लेंगे, अभी आप इसको यूज़ करना चाहें तो अभी यूज़ कर लें। तो मैंने उनको लेना है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। अब मैं इसके अंदर लैपटॉप के अंदर एडिटिंग करूँगा, मुझे एडिटिंग करने में बड़ी आसानी होगी क्योंकि इसकी 16 GB रैम है और 512 SSD है। तो अब देखते हैं ये कैसी हमें परफॉर्मेंस देता है। तो अभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।